नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह चौधरी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के चैनल फ्यूचर प्रॉपर्टीज में। आज आपके लिए लेके आए हैं एक उम्दा क्वालिटी की प्रॉपर्टी जो कि है आपका मेफेयर सोसाइटी के अंदर, और ये प्रॉपर्टी मैं देने जा रहा हूं आपको 111 गज में 2100 स्क्वायर फीट का एरिया कवर्ड करता है ये पूरा, जिसमें कि 4 बेडरूम 2 हॉल 2 किचन आपको मिलने जा रहे हैं, वॉशिंग स्पेस विद टेम्पल, ये सारी चीजें हम आपको देने जा रहे हैं। और की फीचर्स की बात करूंगा कि इसके नियर बाय क्या है, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, बेसिक सुविधाएं क्या क्या हैं। तो बेसिक सुविधाएं जो आपको मिलने जा रही हैं, सबसे पहले तो 30 फीट वाइड रोड पे ये मैं आपको प्रॉपर्टी देने जा रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, मेरे राइट में अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात है स्विमिंग पूल आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, घर से निकलिए और सीधे आप स्विमिंग पूल का आनंद ले सकते हैं। राइट साइड में कम्युनिटी हॉल आपको मिलने जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी ये है इसकी कि आपको पास में ही ये सुविधाएं मिलने जा रही है। और मेरे सामने फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो सामने पे आपको ये मिलने जा रहा है पार्क। तो ये सारी सुविधाओं के साथ में ये विला आपको देने जा रहे हैं। रेट्स की बात मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहूंगा कि अभी और क्या क्या इसमें मिलने जा रहा है। तो नियर बाय अगर बात करता हूं मैं तो हमें वेलमेड हॉस्पिटल मिलता है, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल मिलता है, और मैक्स हॉस्पिटल की दूरी यहां से ज़्यादा नहीं है, 15 किलोमीटर्स है, तो वहां पर भी आप इजीली पहुंच सकते हैं अगर कभी इमरजेंसी का हो। स्कूल्स के मामले में यहां पे स्कूल्स काफ़ी स्कूल्स हैं, बलूनी सोशल स्कूल आपको मिलता है, और भी कम से कम 5-6 स्कूल्स आपको नियर बाय मिलने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि ये प्रॉपर्टी ISBT के बिल्कुल क्लोज है, 1 किलोमीटर पे आपको ISBT मिलने जा रहा है। पीछे पूरा कैंट एरिया है, पूरा आर्मी वाले रहते हैं, तो यहाँ पर सेफ्टी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। और दो तरफ से इसकी एंट्री मिलती है आपको, यहाँ से भी, मेरे लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों तरफ आपको एंट्री मिलती है, एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा और फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, हमारी एंट्री हो चुकी है, इस वक्त मैं ड्राइंग हॉल में हूँ। पीछे देख रहे हैं आप, ये पूरा काम हो रखा है, इस पे बेस्ट क्वालिटी का जो है वॉलपेपर लगाया गया है। और डेकोरेशन के मामले में अगर मैं बात करूँ, आप देखिए, अगर आप सीलिंग पे देखेंगे तो कितना बढ़िया फॉल सीलिंग हो रखी है इसकी, बहुत अच्छा डिजाइन दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो ये टाइल्स जो है सोमानी की टाइल्स यूज की हुई है इसमें। अगर मैं बात करता हूँ, साइज का काफी बड़ा है, तो इजिली 7 सीटर सोफा आप यहाँ पे लगा सकते हैं विद टेबल। अगर ये देख पा रहे हैं, टीवी का पूरा पैनल लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा LED आपका ऑलमोस्ट 56 इंची का यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा फर्स्ट बेडरूम में, आइए मेरे साथ। दोस्तों, 11x13 के साइज में ये बेडरूम आपको मिलने जा रहा है, मास्टर बेडरूम। इसके अंदर अलमीरा आपको मिलने जा रही है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ पर डबल पल्ले के साथ में ये आपको विंडो मिल रही है, जो कि वेंटिलेशन के लिए कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक वेंटिलेशन के लिए देखिए इस तरफ भी विंडो लगाई गई है, तो पूरा ध्यान रखा गया वेंटिलेशन का, आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पे टीवी के लिए आपको पूरा फ्रेम दिया गया है, आप यहाँ अपना टीवी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका बेड आ जाएगा। तो ये आपका बेडरूम है। इसके साथ में अगर मैं आऊँ यहाँ पर, तो ये देखिए बेडरूम के साथ में यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है पूजा घर। यहाँ पर आप अपना पूरा पूजा का सामान रख सकते हैं, ये ऑलरेडी सेटअप लगा दिया गया है। ये देखिए आप में यहाँ पर सारी चीज़ें आप पूजा से रिलेटेड रख सकते हैं। ये ड्रॉर है आपका, इसमें आप पूरा पूजा का सामान जो भी आप रखना चाहें, प्रसाद वगैरह, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं थोड़ा इस तरफ आता हूँ, तो इस तरफ आपको यहाँ पर वॉशिंग स्पेस मिलने जा रहा है। वॉशिंग स्पेस के साथ में ऊपर आपको यहाँ वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा गया है। दूसरी बात क्या है, यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है किचन के साथ में। अभी मैं अंदर से आपको किचन दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर आपका सिलेंडर आता है, सिलेंडर के साथ में यहाँ पे देखिए, मैं ये नॉब दिखा रहा हूँ आपको, मैं ये नॉब यहाँ से आप लगा दीजिए और आपका ये पूरा कनेक्शन सिलेंडर का बाहर से आउटर ही हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइए मैं किचन दिखाना चाहूँगा अब आपको। तो दोस्तों, किचन में हमारी एंट्री हो चुकी है, गृहिणियों का सबसे फेवरेट प्लेस माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर समय उनका यहीं बीतता है। और जिसमें देखिए आप, यहाँ पर जो इसका इस्तेमाल किया गया है, फिनिशिंग आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। और इसमें जो ये हाइड्रोलिक इसमें चैनल्स लगे हुए हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें देखिए पूरा ही इसमें भी हाइड्रोलिक का इस्तेमाल किया गया है। ओपन करने में, बंद करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली, पूरी तरह से मॉड्यूलर किचन आपको ये मिलने जा रहा है। आइए दोस्तों, लेके चलता हूँ आपको सेकेंड बेडरूम में। तो लीजिए दोस्तों, सेकेंड बेडरूम में पहुंच चुके हैं। 11x12 का साइज आपको इस बेडरूम का मिलने जा रहा है, विद स्लाइडर अलमीरा। यहां पर आपको
टीवी का पैनल मिल रहा है, यहाँ पर भी आप टीवी लगा सकते हैं। फैन आपको अटैच मिल रहा है, बहुत सुंदर सीलिंग है, आप देख सकते हैं ऊपर। उसके अलावा वेंटिलेशन का फिर से ध्यान रखा गया है यहाँ पे टीक वुड के साथ में। ये आपको फिनिशिंग जो मिलने जा रही है बहुत प्यारी फिनिशिंग है, उसके साथ साथ आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखिए एक एंट्री और एग्जिट आपको यहाँ से भी मिलता है, अगर मेहमान बैठे हुए हैं तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं अंदर। आइए दोस्तों मैं आपको टॉयलेट दिखाना चाहूँगा। देखिए टॉयलेट 8x8 का साइज आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाया गया है और ये पेरीवेयर की फिटिंग के साथ में मिलता है आपको। अच्छी क्वालिटी की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, फिटिंग्स का इस्तेमाल अच्छी तरीके का, फिलिप्स की फिटिंग है पूरी इसमें, जो वायरिंग वगैरह वो सब चीज़ें हो रखी हैं। अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा यहीं से फर्स्ट फ्लोर की तरफ, आइए मेरे साथ में। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए एंट्री डोर कितना बढ़िया बनाया गया, डिज़ाइन है पूरा इसमें और ग्लास भी लगा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ से अंदर ले आता हूँ। तो जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे अगेन मैं आपको बोलूँगा 12x14 का यहाँ पे आपको बड़ा सा हॉल फिर से मिलने जा रहा है और यहाँ पे टीवी पैनल का पूरा ध्यान रखा गया, आप यहाँ पे टीवी लगा सकते हैं। और ये डिज़ाइन अलग है नीचे वाले डिज़ाइन से, आप अगर सीलिंग का देखेंगे सीलिंग का डिज़ाइन भी अलग है। तो ये और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो डिज़ाइन है दोस्तों जो इसमें वॉलपेपर लगाया गया है इसका भी डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। हर एक रूम का, हर एक ड्राइंग हॉल का, हर एक जगह का आपको डिज़ाइन अलग अलग मिलेगा। तो अब यहीं से मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा कि ये अगेन एक बेडरूम हमें यहाँ पर मिलता है। साइज़ की बात करूँगा इसकी, तो साइज़ हमें मिलने जा रहा है यहाँ पर 11x13 का साइज़ अगेन मिलता है, विद आपको फॉल सीलिंग मिलने जा रही है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो डिज़ाइन मिल रहा है वो अलग टीवी पैनल आपको मिलता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है यहाँ वेंटिलेशन के लिए, इस रूम के बाहर आते ही ये देखिए वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। पूरे घर में अगर लाइट चली भी जाती है तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, अंधेरा सा नहीं लगेगा आपको। और अगेन यहाँ पर जैसे मैंने बताया एक किचन में भी है, तो यहाँ से जो हमारा सिलेंडर लगने वाला है उसके लिए अलग से पाइप का प्रबंध किया गया है, ताकि नोब दी गई है यहाँ पे, नोब में लगाकर आप को अलग से पाइप अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका इस्तेमाल होने वाला है। तो अब मैं आपको ले जाऊंगा किचन की तरफ, अगेन मैं आपको एक बार दर्शन कराऊंगा किचन के। देखिए फिर से किचन पे पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर, और ये किचन में देखिए सारी फिटिंग्स जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और उसके अलावा ये देखिए चैनल्स और ये इसमें जो यहाँ पे, तो दोस्तों किचन अगेन सेम साइज़ और सेम आपको मिलने जा रहा है, यानी कि दो फैमिलीज़ के लिए दो अलग अलग किचन बनाए गए हैं। आपकी एंट्री एग्जिट अलग है, आप देख पा रहे हैं मैंने जैसे आपको बताया है यहाँ पर। और सेम यहीं से अब मैं आपको ले जाता हूँ सेकंड रूम की तरफ। तो सेकंड रूम आप देखिए यहाँ पर अगेन ये बड़ा सा रूम आपको मिलने जा रहा है, जो कि 12x10 का रूम आपको मिलता है, ये आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर फिर से बोलूँगा कि ये जो वॉलपेपर लगाया गया है ये अलग डिज़ाइन का है, आपको यहाँ पर अलमीरा अगेन अलग मिलती है, यानी कि पर रूम में आपको अलग अलग अलमीरा मिलने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ से हमें इस रूम के साथ में बालकनी मिलती है, साइज़ कोई बहुत बड़ा नहीं है बट यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन में आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पे टफरन ग्लास का इस्तेमाल किया गया है और स्टील का इस्तेमाल किया गया है, तो ये अलग ही लुक देता है इस घर को। तो दोस्तों इस रूम के साथ में अटैच आपको टॉयलेट मिलने जा रहा है। इस टॉयलेट की खूबी है कि देखिए आप पूरा कवर्ड है, ये जो वॉल टाइल्स हैं वो पूरा ऊपर तक 10 फीट तक लगाए गए हैं, तो आपको इसमें जो है सीलन वीलन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जो अक्सर बाथरूम्स में आपको मिलती है। मैं यहाँ से आपको ले जाना चाहूँगा टेरेस पे, आइए मेरे साथ। तो लीजिए दोस्तों हम टेरेस पे पहुँच चुके हैं, बहुत लोगों की फेवरेट प्लेस है ये। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं खड़ा हूँ टेरेस पे, और ये नीचे का देखिए आप पूरा प्लेन है यहाँ पर। अच्छी बात क्या है कि ये प्लेन होने का कारण ये है कि इस पर पूरा डैम प्रूफ का काम हुआ है, पूरे वॉल्स पे भी और टेरेस पे भी। ये डुप्लेक्स जो मर्जी बोल लीजिए आपको मिलने जा रहा है सोसाइटी के अंदर में, सोसाइटी जो कि बिल्कुल क्लीन सोसाइटी है, जिसमें हमें पार्क मिलने जा रहा है, जिसमें हमें सारी एमिनिटीज मिलने जा रही है, लाइक आपका स्विमिंग पूल है, बगल में कम्युनिटी हॉल है, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपका टेम्पल आपको मिल जाता है, सामने आपको पार्क मिलता है, पार्क फेसिंग का ये मिलने जा रहा है, ईस्ट फेसिंग का मिलने जा रहा है। तो जैसे आप चाहते हैं कि आपका एक घर हो, आपका ड्रीम होम हो, उसी टाइप का इसे बनाया गया है। कहीं भी इसमें फिटिंग्स के मामले में या किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती गई है, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इसमें। अब आप प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस है इसका मात्र 90 लाख रुपए, डिमांड है 111 गज के अंदर 2100 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया आपको मिलने जा रहा है। ये सोसाइटी आपको बड़ा आनंद आने वाला है यहाँ आने के बाद में। अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे करण सिंह चौधरी को इजाजत दीजिए और नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे मैनेजर आके आपको ये दिखा पाएं और आप जल्द से जल्द अपने सपनों के घर में एंट्री लें,
गृह प्रवेश करें इस नवरात्रि में। तो मुझे करण सिंह चौधरी को इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।